क्लॉक। मैं आज के दिन इस पहले इजलास में ये समझ रहा हूं कि आज का इजलास कागजात में तो बातें और थी कल से, लेकिन ऐसे लग रहा है कि इस इजलास को खास इस मकसद के लिए बुलाया गया है कि हम इस ऐवान से अदलिया को और जजेस को मेरे ख्याल में जवाब कलामी में कहूँगा कि जवाब कलामी करें। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आज एक दफ़ा फिर ये मुअज़्ज़ज़ पार्लियामान इस्तेमाल हो रहा है और जो इस्तेमाल कर रहे हैं हर तरफ को उसकी बात तो नहीं हुई। वो मेरे वालिद साहब एक लतीफ़ा सुनाते थे, वो कहते थे कि एक आम जमींदार था, उसको कहीं वो जिन वाला चिराग मिल गया, उसने उसको रगड़ा, जिन बाहर निकल आया। जिन ने बोला जी खिदमत बताएं, क्या खिदमत करूं? उसने बोला वो सामने जो कसाई है उससे मैं बड़ा तंग हूं, इस कसाई की पैंटी लगाओ। वो जिन जाके वो कसाई की दुकान के साथ एक सब्जी वाले का दुकान था, उस सब्जी वाले को मार के आ जाता था। वो फिर कहता था कि भाई मुझे वो तकलीफ उस कसाई से है। वो जिन फिर जाके वो कसाई के साथ सब्जी वाले को मार के आ जाता था, तो उसने बोला भाई तकलीफ मुझे कसाई से है, तुम सब्जी वाले को मार रहे हो। जिन ने बोला वो कसाई के हाथ में चुरी नहीं देगी तुमने। माजरत के साथ आऊंगा, मौजूदा सूरत हाल पे आऊंगा, लेकिन चूंकि पहली स्पीच है और वो घड़ी भी बहुत तेज गुजर रही है, अभी बात शुरू नहीं की, 4 मिनट गुजर गए, और मैं माजरत चाहता हूँ अपने बुजुर्गों से। अब इनसे भी मैं ख्वाहिश रखूंगा कि ये पार्लियामान को थोड़ा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से बाहर भी ले जाएं, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं तो बस इन्हीं दोनों के बीच में चल रहे और चल रहे और चल रहे, और एक बांधना चाह रहे दूसरा छुड़वाना चाह रहे, और सिर्फ जज को नहीं बाकी लोगों को भी कोई छुड़वाना चाह रहे और कोई बांधना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल में इसी में ये महीने 2 महीने गुजर रहे और गुजरेंगे। बड़े मुअज़्ज़ज़ अराकीन बैठे हैं इधर, मैं अपने वालिद साहब के कलीग्स को देख रहा हूँ, फ़ख्र कहूँ, खुशकिस्मती कहूँ, बदकिस्मती कहूँ, 4th generation में हूँ जो इस मुल्क, या जब ये मुल्क नहीं भी बना था तब से इस अवाम और कौम और जमहूरियत और बुनियादी हकूक और इन चीज़ों की बातें चल रही हैं। और आज के दिन मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा, हर जगह आइन की बात हो रही है, आइन पे अमल की बात हो रही है, और आज ऑब्वियसली जो लोग मैं देख रहा हूँ आज जो बेनिफिशरीज हैं या इस माहौल में जो बेनिफिशरीज दिख रहे हैं, ये कल बदकिस्मती से बेनिफिशरीज नहीं थे, और आज जो गिले कर रहे हैं आइन से, रूल ऑफ द लॉ से, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कल बेनिफिशरीज थे। बात होती है फॉर्म 47, और ये हम सुन रहे हैं जब से इलेक्शन हुआ है जी फॉर्म 47। हमें भी मौका मिल गया, हमने कहा कि क्यों ना 47 से लेके 47 तक बात हो जाए, क्यों ना पाकिस्तान के बनने से ही ये बात शुरू हो जाए। क्योंकि अगर आज फॉर्म 47 की बात होती है तो ये किस्सा 47 से पहले ही शुरू हो चुका था। और इधर अगर मिस मुअज़्ज़ज़ अराकीन में तारीख किसी ने पढ़ा हो पाकिस्तान के मशरत अलूम के अलावा, हम कहते हैं आइन पे अमल करें, हम बच्चे को तारीख झूठ सुना रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तान में मशरत अलूम है वो सारा झूठ पे मबनी है, उस झूठ पे मबनी हम बच्चों को पढ़ा के फिर कहते हैं कि या कि अच्छा काम करेंगे। मसला आपका शुरू होता है 47 में, हिंदुस्तान आज़ाद होता है और पाकिस्तान बनता है। मेरी बात से अगर किसी को तकलीफ हो, मैं वाजे कर दूं कि मैं इस वतन में, इस मुल्क में गद्दार इब्ने गद्दार का बेटा हूं, और मैं समझता हूं कि आज की तकरीर के बाद शाम में कहीं मैं भी 4th नस्ल में इस नारे से गुजरूंगा। तारीख हकीकत होती है, और तारीख से आंखें फेरना, हकीकत से आंखें फेरना आपको कभी भी मुस्तकबिल में सही रास्ते पे नहीं लेकर जा सकता। ये बहुत बड़ी बहस है और इस बहस के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि
नेशनल असेंबली के बाहर एक दफा इजलास बुलाया गया था और जनाब खान अब्दुल वली खान मरहूम गाड़ी की डिग्गी किताबों से भर के लाए थे, इसलिए लाए थे कि आए आज बात करते हैं कि पाकिस्तान बना था कि पाकिस्तान आजाद हुआ। जब आप 47 में आजाद नहीं हुए, आज आप आजादी का रोना रो रहे हैं। क्या ईमान की बात करें सब लोग, ये जनाब पाकिस्तान का कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब कितनी कदर करते हैं, क्या पाकिस्तानी कदर करते हैं इनकी कि नहीं करते? तो मुझे तो ये तस्वीर भी कैद लग रही है। ये तस्वीर उस दिन कैद हो गई जिस दिन जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने रूल ऑफ लॉ की बात की, जिस दिन आपके बानी आपके मुल्क को बनाने वाले ने जिस दिन फौज के सामने फौज के एक तकरीब से ये बात की कि ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि आप इस पे हुक्मरानी करें, ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि यहां पे अवाम गुलाम हो, बंदूक वाले के पास ताकत हो, बल्कि आप मुहाफिज़ हैं। ये जो बातें आज हम कर रहे हैं ये जनाब कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को करनी पड़ी। और इन बातों के नतीजे में मैं मैडम स्पीकर मैडम चेयरमैन, आज कोई लीडर बीमार होता है वो डेवलप्ड सिटीज में जाता है, कोई बंदा बीमार होता है इंटीरियर सिंध का कोई बीमार होता है वो कराची जाता है, पंजाब का कोई बीमार होता है वो लाहौर जाता है, हमारे सूबे पख्तूनख्वा में कोई बीमार होता है पहली कोशिश उसकी ये होगी कि वो पेशावर जाए, हमारे प्रोविंशियल कैपिटल्स में वो मसले नहीं हल होते तो फिर कोशिश होती है कि इस्लामाबाद आए या मुल्क से बाहर जाए, दुबई जाए, लंदन जाए। हमारे लीडरान हमने देखा है कि लंदन जाके इलाज करा रहे हैं, हमने देखा है कि दुबई में इलाजें हो रही हैं, हमने देखा है कि अमेरिका में इलाजें हो रही हैं, हमने देखा है कि ये सब हो रहा है। लेकिन वो हमारे बानी जब बीमार हो गए तो उन बेचारे को ज़ियारत जाना पड़ा। आज से 75 साल पहले 76 साल पहले मेरे बलूचिस्तान के भाई बैठे, ज़ियारत मैं 2 साल पहले गया हूं, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अस्पताल नाम का चीज नहीं है, लेकिन उस वक्त उधर की हवाएं ऐसी थी कि जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए वो इलाज बन रहा। अब ईमान से ये मुअज्जज सेनेट के अराकीन दिल के अंदर से सोचे कि क्या पहला कदम, इस मुल्क का पहला पॉलिटिकल कैदी जो एक सॉफ्ट एग्जाइल की शक्ल में ज़ियारत भेजा गया, क्या वो ये बानी था या नहीं था? क्या हमारे पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ द सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहब ने बात की, MWM सॉरी थोड़े नए हैं तो इंशाल्लाह ठीक होते हैं, और नए नए पार्टीज भी अब ये उभर रही हैं, तो इन्होंने बात की ईरान का सदर मरे जी, वो पूरा ईरान मैदान में है, वो सिर्फ सदर है, आपकी बाने मरी थे किसी को पता नहीं था, मक्खियां घूम रही थी उनके ऊपर। ये तल्ख हकीकतें हैं। आज तक आप ये मुल्क, ये वतन, ये पाकिस्तान के शहरी इस अपने कायद को रिहा ना कर सकते। आपको पता है पाकिस्तान में जो फिर कैद हुए हैं तो इन पे एक ऐसी कैद लगा है कि आप पाकिस्तान में जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब पे रिसर्च नहीं कर सकते। तो आए आजादी की बात हो रही है, हम तो गद्दार हैं, हम तो सब कहते हैं हिंदुस्तान के तकसीम के खिलाफ थे, आज बात हो जाए 77 साल बाद कि तकसीम हिंदुस्तान का फायदा कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है, हम तो चले गद्दार हैं। लेकिन आप मेरे मुआज़ अराकीन आज जुडिशरी और मिल्टेब्लिशमेंट की लड़ाई से निकल के, क्या मैं आपके लिए ये बात उठाने को तैयार हूं, मेरे साथ खड़े होने को तैयार है कि आज ये ऐवान ये मुतालबा करे कि जो पाबंदी पाकिस्तान में जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के ऊपर रिसर्च करने पे लगी है ये खोल दी जाए, और मेरे समेत सबको ये मौका मिले कि हमें पता चले कि हमारे कायद, हमारे रहबर, हमारे इस मुल्क के बानी मोहम्मद अली जिन्ना साहब कौन थे। कर ले खैर है थोड़ा कोई, हाँ ना कर ले हम फंसेंगे, आप लोग बचे रहेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों के पास अच्छे डोमिसाइल हैं। बलोची भाई मेरे खैर है आप ना करें, बाकी आप करें, हिम्मत करें।
पाकिस्तान अगर आप देखें तो हम पाकिस्तान में फिर आते हैं, बानी की बात होगी। और आपको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी पहली तकरीर है तो मैं थोड़ी लंबी बात करूंगा। पाकिस्तान की जिंदगी दो हिस्सों में बांटी, एक वो पाकिस्तान जो सन 47 से 73 तक है, और दूसरा वो पाकिस्तान जिस जो 73 के बाद आज तक है। इस पाकिस्तान में रूल ऑफ द लॉ, अवाम के इख्तियार, और जो बातें आज हो रही हैं, जो आज के बेनिफिशरी नहीं है और उनको जो गिला है, ये आवाज जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने उठाया तो वो भी गद्दार निकली। पाकिस्तान में अगर पहले दिन इस सब पे खड़ा हो जाता था, आज हमें ये सब कुछ ना देखना पड़ता। तारीख के स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में दो तिहाई अक्सरियत खुदाई खिदमतगारों की थी, हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट, डॉक्टर खान साहब उस गवर्नमेंट की लीडिंग रोल में थे। 12 दिन के अंदर अंदर खुदाई खिदमतगार तहरीक की दो तिहाई अक्सरियत वाली हुकूमत उसको जबरदस्ती गिरा के उन सबको जेलों में डाल के 1/3 उस वक्त की मुस्लिम लीग कयूम खान को हुकूमत दी गई। उस दिन अगर पाकिस्तान में अवाम के इख्तियार के लिए पाकिस्तानी खड़े हो जाते, आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन बदकिस्मती से यहां पे खेल बेनिफिशरीज का और अफेक्टिव का चलता आ रहा है। कल का बेनिफिशरी आज का अफेक्टिव होता है, कल का अफेक्टिव आज का बेनिफिशरी। जब वो बेनिफिशरी होते हैं उनको सब काबिल कबूल है, फिर मुल्क के साथ जो हो खैर है। हमने मिसिंग पर्सन की बात नहीं करनी, ये अभी बदकिस्मती से किस्सा मिसिंग पर्सन से शुरू हुआ, लड़ाई में आखिर में सेनेट और या पार्लियामान और अदालत को आमने सामने होना पड़ा। 12 अगस्त 1948, ठीक पाकिस्तान बनने के एक साल बाद, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि खुदाई खिदमतगारों की हुकूमत खत्म करके उनको जेलों में डाल दिया गया, इस बीच बादशाह खान और कादी आजम का राब्ता हुआ और कादी आजम ने यह फैसला किया कि मैं बादशाह खान के पास आऊंगा, खुदाई खिदमतगार मरकज हमारा सरदरियाब। लेकिन कैरेक्टर्स थे, ओ बादशाह खान जो पार्लियामान में आके लॉज लेते कि मैं तकसीम हिंद के खिलाफ था, लेकिन आज जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान एक हकीकत है, तो आए इस पाकिस्तान को बनाते हैं। और वो उन्होंने अपनी सारी सर्विसेज, खुदाई खिदमतगारी की जितनी भी सर्विसेज थी, वो पाकिस्तान बनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना साहब के सपोर्ट थी। एन उस वक्त जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब सरदरियाब आ रहे थे तो कयूम खान ने कहा कि आपको मार देंगे, खुदाई खिदमतगार इकट्ठे हुए हैं वो आपको मार देंगे। खुदाई खिदमतगार पेशावर से सरदरियाब तक तैयारी में पकड़े हुए थे कि मेहमान आ रहे और आज हम एक नए मोड़ पे जाएंगे। मेहमान नहीं आया, मायूसी हुई, स्ट्राइक में बदल गया, सबको पकड़ लिया। 12 अगस्त 1948, हमारे पुख्तून भाई बहने वो कहते कि यार ये अंग्रेज को तो निकालने में हमारा बुनियाद निकल गया, अंग्रेज को किसने निकाले? जी 2:30 बज रहे हैं, अंग्रेज को किसने निकाला? अंग्रेज को फौजी ने तो नहीं निकाला, ये तो फौजी थे, तब भी सलूट आज भी सलूट, उनको तो तनख्वाह इसकी मिल रही है। अंग्रेज को तो निकाला कौम ने, पुख्तूनख्वा में खुदाई खिदमतगार निकले, उनको हमने निकाला, मुल्क को आजाद किया, उस आजादी में भी हमारा नुकसान हुआ। मुल्क बना, आजाद तो नहीं हुआ, जब मुल्क बन गया फिर भी नुकसान। तो उन्होंने सोचा कि भाई हमारे सब लीडरान कैद है, लिहाजा हम एक स्ट्राइक करते हैं। और वो स्ट्राइक भी किसी के पास बंदूक नहीं, किसी के पास कुछ भी नहीं, एक पुरमन खुदाई खिदमतगारों के बारे में जिसने भी पढ़ा उनको पता है कि वो अदम तशद्दुद के पैरोकार थे, और वो अदम तशद्दुद पे उनका सारा नजरिया था। क्या हुआ उस एहतजाज पे? आपके पाकिस्तान के फौज, या अगर आप लोगों को नहीं पता, ये आप कान खोल सुन ले, कान खोल ले, निहत्ते शहरियों पे गोलियां बरसाई गई, गोली पाकिस्तान के फौज ने, अंग्रेज ने नहीं, इंडिया ने नहीं, इसराइल ने नहीं। जालिम की बात करते हैं, सबसे बड़े जालिम तो इधर रह रहे, पाकिस्तान के फौज ने खुलेआम गोलियां बरसाई, 600 से ज्यादा शहीद उस मैदान पे। हमारे चारसद्दा के औरतें बच्चे घरों से निकल आए कि खुदा का खौफ करें, गोदों में अपने बच्चे लेके आ गए, सरों पे कुरान निकल के ले आए कि आप क्या कर रहे हैं। थैंक यू स्पीकर साहब।
लेकिन नहीं, फौज की ठंडक नहीं भरी, क्योंकि उनका मिशन था कि हमने खुदाई खिदमतगार तहरीक का खात्मा करना है। आज तक हम भी इस मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें भी ये गिला है। एक एक शहीद को हम याद करते हैं, एक एक शहीद के साथ हम रोते हैं, वो फौज का हो, वो पुलिस का हो, वो किसी भी कौम का हो, क्योंकि हम इस सब से गुजरते हैं तो हम उस दुख में हर किसी के साथ होते हैं। लेकिन मेरे पाकिस्तान के भाइयों बहनों, आज तक वो 600 से ऊपर शोदा का इंसाफ तो छोड़ दें, उनका जिक्र भी नहीं किया। मशरते उलूम के स्टूडेंट्स बैठे, कहीं किताबों में भी ये बात नहीं सुनी होगी। उल्टा क्या किया रियासत पाकिस्तान ने, जो मैयत मैदान पे पड़ी थी, ये हुक्म हुआ, ये तारीख में मेरे ख्याल में करबला है, ये हुक्म हुआ कि मैदान में जितने भी मैयतें पड़ी है, एक मैयत नहीं उठा सकते तब तक जब तक इस पे सरकार का खर्चा हुआ है। सरकार का क्या खर्चा हुआ है? गोलियां चली। जब तक इस खर्चे के पैसे मुआवजा सरकार को नहीं होगा, तब तक यहां से एक मैयत नहीं उठेगी। उसमें बड़े गरीब थे, बचा खान जेल में थे, उन्होंने जेल से हुक्म किया, अपनी जमीन बेच के उन लोगों का जुर्माना जमा किया। ये नहीं किया कि जाके GHQ पे हमला करो, ये नहीं किया कि जाके PTV पे हमला करो, ये नहीं किया कि जाके पार्लियामान पे हमला करो, बल्कि नहीं, आप अपने चाचा से सुन ले वो सुना देंगे आपको, बल्कि उन्होंने अपने हिस्से की जमीन बेच के सरकार को वो मुआवजा दिया और हुक्म किया कि अपनी मैयतें उठाओ। फिर हम पुख्तून कौम, बल्कि यहां पे सब कौमें जो बैठे हैं, हमारी गमी और खुशी वाजे है, अल्हम्दुलिल्लाह। छुपी हुई नहीं होती कि हम लोगों से छुपाएं कि हमने मिसाल मैयत है, कोई मरा है या किसी ने शादी कर ली है, हमारी सब कुछ वाजे होता है, बच्चे भी वाजे हैं, शादी भी वाजे है, गम भी वाजे है। क्या हुआ, जिस घर में मैयत, उस हर घर के बाहर तीसरे दिन सरकारी बैंड बाजा भिजवाया गया। ये देखे, ठंडक नहीं मिल रही थी, सरकारी बैंड बाजा भिजवाया गया, और जिस जिस घर में दुआ फातह खाने हो रही थी, उसमें उसके बाहर खड़े होके बैंड बाजे बजाए गए। मेरे साथ खड़े होंगे क्या, इन शोदा का हक मांगेंगे? ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है। मैं समझता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वाइंड अप करूं। आते हैं अयूब खान, और अयूब खान का वो दौर है जब पाकिस्तान पर फैलाता है, मकबूजा बलूचिस्तान, तब तक बलूचिस्तान बेचारा आजाद था, मकबूजा कश्मीर, मकबूजा मलकंड, बल्कि जितने भी प्रिंसिपैलिटी स्टेट्स पाकिस्तान के अंदर थे, अयूब खान किसी को पकड़ के, किसी को दकड़ के, किसी को थप्पड़ मार के, जो अभी तक हो रहे, उन सब प्रिंसली स्टेट्स को जबरदस्ती पाकिस्तान में मिलाता है। और आज जिस मैंडेट की बात हो रही है, तो इसी मैंडेट की खातिर जब हमें ये शौक चुस के नहीं भाई पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान पंजाब है और इसके अलावा पाकिस्तान कुछ नहीं है, हमने बंगाल के मैंडेट को ना मानते हुए हमने अपने आधे मुल्क को, अगर आज ये बात होती है कि पाकिस्तान तकसीम हो और आधा पाकिस्तान हमसे जुदा हो के बांग्लादेश बन गया, इसकी क्या वजह है? यही वजह है कि आप उनको मैंडेट देने को तैयार नहीं थे, यही वजह है कि आप उनको एक मजलूम महकूम कौम की तरह तसव्वुर कर रहे थे। जिस तरह आज आप पुख्तून को, बलोच को, सराइकी को, महाजर को, सिंधी को, बल्कि पंजाब में बहुत लोगों को, कश्मीरी को, गिलगिती को, जो जिस तरह कंसिडर किया जाता है, क्या मिला आपको? आपका मुल्क दो लख्त हो गया। और जब मुल्क दो लख्त हो गया, फिर एहसास हुआ, मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं टाइम शायद मैं ज्यादा ले रहा हूं, मैं कुछ बातें कोशिश कर रहा हूं कि मैं स्किप कर रहा हूं। क्या किया आपने? अब थोड़ा मैं इस पे बांग्लादेश पे थोड़ी बात कर लू। बांग्लादेश में उस साल 90,000 से ऊपर इल्लेजिमेट बच्चे पैदा हुए। किसने किए? जालिमों ने, जालिमों ने। उस ऑपरेशन में बांग्लादेश में जाके इतनी मारदार हुई है कि आज अगर आप बांग्लादेश के बांग्लादेशी के सामने कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि गाली है,
शेख मुजीब के घर घुस के शेख मुजीब से लेके एक छोटी बच्ची जो झूले में झूल रही थी सबको मार के निकल आए। जो बची है वो इस वजह से बची है कि वो बांग्लादेश में नहीं थी, उस वक्त बाहर पढ़ाई के लिए गई। तो इन्हीं से अकल हासिल कर ले, हम आज फिर उस नैत पे पहुंचे हुए। आज उस तरफ वाले, इस तरफ वाले, उस तरफ वाले, हर तरफ वाले इलेक्शन को दांदीशुदा समझ रहे हैं और मानते हैं। जो भी है वो उस तरफ वाले हैं, वो इस तरफ वाले हैं, वो कहीं के भी हैं, और इलेक्शन दांदीशुदा मतलब आप अवाम का मैंडेट मानने को तैयार नहीं। या सेनेटर साहब, इन सारे इश्यूज पर आप अपनी सिटिंग में जरूर, अभी तो 32 में एक गुजारिश आखिरी इधर बात हुई, आज क्यों हम जबरदस्ती एक पराई लड़ाई में घुस रहे हैं। जुडिशरी को प्रॉब्लम था मिसिंग पर्सन से, और मिसिंग पर्सन भी भाई हम भी अजीब लोग हैं, सिलेक्टिव मिसिंग पर्सन है भाई। 100 लोग मिस हो गए कोई मसला नहीं, एक मिस हो गया हंगामा बर्पा कर दिया, एक मिल गया मसला हल, 32,000 मिसिंग है भाई, खैर है कोई मसला नहीं। ये क्या मुल्क है, तरजीहात क्या है? और फिर जुडिशरी बात करती है एक ISI की करनेल की, वो तकलीफ कहीं और हो जाती है, वो तकलीफ ऐवानों में पहुंच जाती है। तो फिर जब ऐसे किरदार और ऐसे तकलीफ ऐवानों से उठेंगी तो प्रॉक्सी बोला जाएगा, क्यों ना बोला जाए। और जो प्रॉक्सी नहीं होते मैडम, उनको 100 दफा प्रॉक्सी बोला जाए उनको तकलीफ कभी नहीं होगी। हमें 1,000 दफा गद्दार बोला जाए हमें तकलीफ कभी नहीं होगी, लेकिन अगर प्रॉक्सी को प्रॉक्सी बोलेंगे तो तकलीफ।